एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, हम सब हो चुके हैं रेडी, बिकॉज आज है गाइस मिट्टू दीदी का बर्थडे, जैसे यू ऑल नो। सो अब हम जाने वाले हैं, उनके बर्थडे में बहुत लेट हो गया, बट अभी जा रहा है पुनीत केक लेने के लिए। और गाइस, हमने बहुत यूनिक केक बनवाया मिट्टू दीदी के लिए, जो उनको पसंद था हमने सेम वैसे ही केक बनवाया। तो गाइस, अभी पुनीत और अंशु जा रहे हैं केक लेने, उसके बाद प्रेरणा और पम्मी जीजू भी आ गए हैं। मैं आपको सबसे पहले प्रेरणा जीजू जीजू और प्रेरणा, सॉरी गाइस, और नोना। गाइस देखो, नोना प्रेरणा के पास बिल्कुल नहीं जाती। देखो गाइस, ओए बहुत पीछे कर रही है। गाइस ये लोग भी रेडी हो गए, अब हम फटाफट से निकलेंगे। बस दोनों आ गए केक लेके। क्या हाल हुआ है? वे ब्लैक है, जल्दी झाड़ ले। ये है मिट्टू दीदी का स्पेशल केक, ये डोनट। ओए देख तो कितना पापा दारू भर रही है। सही में टीचर है वो। और गाइस ये रहा मिट्टू। एच कहां गया मिट्टू में? अब हमने ये मैंने बोला भी, ये मिट्टू हो गया मिट्टू। गाइस मस्त है ये। देखो गाइस केक देखो, कैसे देख रहे हैं सब केक। पापा ने हमारी ऊपर आ चुकी है, जीजू आगे बैठे चल रहे सब। मम्मी पीछे आ जाना, बैठ जा। अबे तेरे को उसी के साथ बैठी है बिल्कुल ही। पतिव्रता हो रही है अपने आप को ज्यादा। पतिव्रता हो रही है, कोड तो पूछ लो। निष्ठुर नारी बनेगी। गाइस देखो इसके करते हैं, बंद कर लेना कैमरे से। कैमरे के भाई जी, ये हमारा केक बनता है। इतना तैयार होके आई थी घंटे में। अब घंटा क्या, उसने मेकअप बिगाड़ दिया उसका। किसने? लिपस्टिक अंशु ने पूरी। अब तो फिर भी सही हो बात है। बोर्ड पे चढ़ गई। नहीं भाई, ये ले मेरी टी-शर्ट से पोंछ ले। मैं दूसरी मंजिल पे चढ़ गई, पहली मंजिल का नाक छू रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, बाल मैंने पंप बनाया। उसके धक्के से बाल खराब हो गए। चुटिया नीचे खींची, पंप खराब। उसके नकली बाल वैसे ही निकल जाते। मिट्टू दीदी यहीं कहीं आसपास है, बट हमें पता नहीं। और हम इस एरिया में भी फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी हम आए हैं हौस खास विलेज, है ना? हाँ तो गाइस ये रहे ये तीनों। अब चलते हैं गाइस, फिर देखते हैं। अभी मिट्टू दीदी से मिलेंगे, फिर मैं आपको मिट्टू दीदी भी दिखाऊंगी। हमने आपको ना मिट्टू दीदी खड़ी हुई दिख रही हो, दोनों मी अभी भी मैचिंग मैचिंग करके आए हैं। हैप्पी बर्थडे दीदी। कितने सारे कॉलेज वगैरह है, और हम इस एरिया में फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत क्राउड है गाइस यहाँ पे। गाइस तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जहाँ हमें जाना था। हम कहाँ, क्या नाम था जीजू? बारशार रूम बार क्या? बारसूम। हाँ तो गाइज इसका नाम था बारसूम। और गाइज वहाँ पे पूरे में साउंड चल रहे थे, तो फिर अब मैं बाद में ऑडियो डाल रही हूँ। और यहाँ पे अब सब है, तो आपको इतने शोर में मेरी बातें सारी सुननी पड़ेंगी। हम गए थे यहाँ पे, फिर हमने पूरा एंजॉय किया अंदर, और मतलब ठीक ठाक था, पर फिर भी हम लोग कम जाते हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं इन्जॉय कर पाए। बाकी केक अब आप यहाँ पे देखो यार, ये केक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मिट्टू दीदी को ऐसा केक पसंद था, वो चाहती थी हम उनके लिए ऐसा केक लेके आए, तो इसलिए हमने उनके लिए ऐसा ही केक ऑर्डर पे बनवाया था। और अब यहाँ पे हम थोड़ी देर में केक कट करेंगे। और आपको ये केक कैसा लगा ना, आप लोग भी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के लिए जैसा केक उनको पसंद हो वैसा ऑर्डर करवा के बनवा लिया करो गाइस, बिकॉज अच्छा लगता है यार ऐसे देख के। हम जैसे उनको दीदी को बहुत अच्छा लगा था ये केक देख के। और फिर अभी हम लोगों ने करी केक कटिंग। अभी यहाँ पे हमने की है केक कटिंग। और अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे फिर भी साउंड चल रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मतलब बर्थडे सॉन्ग लगवा दे ताकि हम फिर केक कट कर सके। फिर यहाँ पे सॉन्ग लगा था बर्थडे का, जहाँ पे मिट्टू दीदी को बार बार विश कर रहे थे वहाँ पे से, जो भी डीजे पे भैया बैठे हुए थे। तो फिर यहाँ पे जाके हमने करा था केक कट। अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे गाइस, वेट करो। हाँ गाइस, तो इस वाली क्लिप में अब हमने करा केक कट। यहाँ पे अब होगा केक कट। गाइस अब यहाँ पे, वहाँ गाइस वहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे फाइनली अब केक कट होगा। यहाँ पे हम लोग केक कट करने वाले हैं।
और गाइस अब यहाँ पे हम लोग आ गए प्रेरणा के फ्लैट पे, जैसे कि मैं आपको लास्ट में बताया, आपको लास्ट में पता लगेगा इसलिए मैं बाद में यहीं पे ऑडियो डाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है अब यहाँ पे, ये लोग शोर मचा रहे हैं। यहाँ पे केक कट हो गया, फिर सबने केक खाया मिलजुल के, और गाइस ये छोटा सा मिनिएचर, ये भी हमने मिठू दीदी को पिला दिया था हमने। बर्थडे पार्टी में कैसा एंजॉय किया, बर्थडे पार्टी में कैसा एंजॉय किया गाइस, बर्थडे पार्टी में कैसा एंजॉय किया। गाइस ये लोग ना बोता नहीं रहे, बदतमीज है गाइस। बाकी यहाँ पे अभी हम लोग खाना भी खा रहे हैं गाइस, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैं साउंड डाल रही हूँ तो आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा गाइस, बाद में देखना। बट यहाँ पे तो हम लोग ने जो भी करा मैं सब आपको दिखा रही हूँ गाइस, और वहाँ पे साउंड चल रहे थे इसकी वजह से मुझे ये फिर से लेना पड़ रहा है। अब मेरे को सारे में वॉइस ऐड करनी पड़ रही है गाइस। यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर जितनी भी सिगरेट वो शुगर केन की बनी थी, और फिर मुझे सारे शुगर केन हम लोगों ने खा लिए थे गाइस। अब यहाँ पे हम लोग खाएंगे गाइस, अपना ब्लॉग शूट कर रही है अब गाइस। यहाँ पे हम लोगों ने डांस वीडियोज़ वगैरह बनाई, फिर यहाँ पे हमारा फूड आ गया था, जो हमने वाइट सॉस पास्ता चिली पटेटो चाउमीन फ्रेड राइस और पीस पनीर पिज्ज़ा मंगवाया था। हमने नॉनवेज कुछ भी नहीं खाया बिकॉज ऑफ सावन चालू हो गया, तो फिर अब हमने कहा नहीं यार अब नहीं खाते, ये टेस्ट करो ये बढ़िया। और कोल्ड कॉफ़ी हमें पीनी थी बट वो भी नहीं थी, तो हमने मोजिटो ट्राई किया था। गाइस यहाँ पे ये सब खाने में लगे पड़े थे, और ये मोजिटो बहुत टेस्टी था। और गाइस यहाँ पे मिट्टू जी ने ये गन भी चलाई थी यार, ये बहुत अच्छी थी, मैं भी अपने बर्थडे पे चलाऊंगी। आप लोगों ने भी ये चलाई है नहीं चलाई कमेंट करके बताना। वैसे हम लोगों ने ना ये फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, बट ये बहुत अच्छा था यार, बहुत इन्जॉय करा था हमने इसमें। मिट्टू दीदी कितनी खुश है गाइस देखो, और पहले मिट्टू दीदी की तबीयत भी ख़राब थी और अब तबीयत भी ठीक हो चुकी है मिट्टू दीदी की। घर बिकॉज वहाँ लॉन्च में मतलब हम लोगों ने ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया, बस हम लोगों को इतनी हैबिट नहीं है उस अकॉर्डिंग जाने की, तो अब हम चल रहे हैं। गाइस देखो तिरंगा, तिरंगे के नीचे इंडिया के, गाइस ये हमारा और ये आंटी ये अपना रास्ता भूल गई, पागल है क्या, अभी नशे में गए हैं। तुम क्या कर रहे हो जीजू, हो क्या है, चलो अरे बाहर रोड पर गाड़ी फेंकनी पड़ेगी, नहीं नहीं जाने दे, अंदर नहीं जाने। यस गाइस, और अभी हम करेंगे कब नोना बेटी, नहीं तो माची आई उठ गई, उठ गई बेटी, माची आई है कि भूत भी आई है। अरे मिट्टू ये कपड़े तुम्हारे, हैप्पी बर्थडे बच्चा, आपका बर्थडे चल रहा है, नमस्ते अंकल, बर्थडे विश करो। गाइस यहाँ पे मम्मी आई है, अब जाके सिग्नेचर खुद मारेंगे तुम्हारी, तो कल भी जाएगी, कल हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क, और वहाँ पे आई सपना चौधरी डैम। और पता है गाइस एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर मैंने चिल्ला के बोला ना सपना मैं वो मिट्टू के साथ डांस करो, तो ये पक्का सपना को फेल कर देगी यार। फिर 1:55 हो गया, मैं सो के भी उठ गई, ये लोग 24/7 गए थे क्योंकि कुछ सामान लेके आना था, और ये वो लोग ले आए, इन लोगों को कुछ चाहिए था पार्टी के लिए। तो गाइस अभी मैं नहीं गई थी, मैं सो के भी उठ गई, और अभी तक खाना जो ऑर्डर किया था वो भी नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इतनी देर में पास्ता भी बना लिया, इतना टेस्टी सा, अभी फटाफट बन जाए फिर हम इसे लेके जाएंगे, और हमारा खाना वाना भी आ रहा है, फिर हम ये पास्ता वास्ता लेके जाएंगे। एक मिनट पहले दिखा दे रहा मेरा पास्ता, इतना ज़बरदस्त बनाया आज मैंने, आधे सामान के बिना भी दूसरी चीज़ों से। और यहाँ पे गुन्नू करके दिखाएंगे टेस्ट, नहीं गाइस टेस्ट तो मैं वहीं पे करूंगी चाहिए, बाकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप बताना, मम्मी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। मैं तो खुद थक जाती हूं, जब जल्दी नहीं दबाऊं, अरे बाहर गए गाइस, ऑर्डर लेने गए हैं सरदार यार, ये क्या कर रहे हो गाइस, ये सारे ऑर्डर लेने गए हैं। अरे गाइस मिल जाएगा, क्या हो गया गाइस, भैया हमारा रोटी में बढ़िया भी हमारा बाट में खड़े ही मेरा पड़ा हुआ है। नितेश
और थोड़े लोग बाहर आ जाओ, और दीदी पीछे देखो, और थोड़े लोग बाहर आ जाओ। This is loose, guys. जीजू हो गई है पेमेंट। हम आ चुके हैं ब्रेंडा के फ्लैट पे और गाइस 3 बज चुके हैं। अब हमें खाना भी खाना है, सब कुछ करना है। अभी तक सब कुछ मीन्स ऐसे पैक ही रखा हुआ खाना, हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, अभी जस्ट आए हैं। और फिर सबको नींद भी आ रही है। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कल बहुत स्पेशल व्लॉग आने वाला है, बिकॉज कल हम जाएंगे, अपू घर जाना है हम लोगों को प्रमोशन के रिगार्डिंग, और कल वहाँ पे सपना चौधरी भी आएंगी, तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा, जहाँ पे उनका डांस होगा, उनके सॉन्ग होंगे, मैं वो सब व्लॉग में लूँगी। तो आप लोग भी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम उन्हें ऐसे सामने से देखूँगी। बाकी आप लोग भी देख के बताना, फिर आप लोगों को व्लॉग का वेट रहेगा वैसे तो, बिकॉज बहुत ज़्यादा फैंस हैं उनके और मैं खुद हूँ, तो फिर बहुत इन्जॉय करने वाले हैं कल हम वाटर पार्क में। बट अभी के लिए मैं इस वाले व्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके आपसे मिलूँगी। बट पहले फटाफट से आपको व्लॉग मैं एडिट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, फटाफट से पोस्ट करूँगी, देन आप ये वाला व्लॉग इन्जॉय करना, फिर जस्ट एक और नया इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अपू घर में सपना चौधरी ने आके मैम ने क्या क्या किया। तो अभी के लिए आपका इस वाले व्लॉग को इन्जॉय करो, लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम बर्थडे कैसा लगा वो सब भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय, लव यू।